नमस्कार, आइए एक आवाज दें, एक नई आजादी के लिए, एक नए इतिहास के लिए। हम उस आजादी की कल्पना करें जो हमें संविधान पर जीने की ताकत देता है, जो भारत की संस्कृति, भारत का सर्वधर्म संभव, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता के जीवन दर्शन के साथ भारत की एकता अखंडता के उस प्रेम के पथ पर चलने के लिए ताकत देता है। आज हम आवाज दें कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट के उस अपने भाइयों को के लिए जो मुस्कुराना चाहता है, जो जीना चाहता है, जो आजादी के साथ रहना चाहता है, डर और भय के वातावरण से दूर। भारत के 133 करोड़ लोग अमन की ओर बढ़ना चाहता है। आज हम सिर्फ अपने अहंकार और पार्टी के एजेंडे के लिए भारत के संविधान को भी समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत क्या चाहता है? हम एक। भारत क्या चाहता है? मानवता। भारत क्या चाहता है? मानव भक्ति। भारत क्या चाहता है? समाज शास्त्र। भारत क्या चाहता है? आर्थिक प्रजातंत्र। भारत क्या चाहता है? गरीबी से दूर। भारत क्या चाहता है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम सब महफूज करें, एक ऐसा देश जहां अपने विचारों के साथ जिए। लेकिन जिस तरीके से कभी 370, कभी एनआरसी, कभी कैब, और जो आज हालात है बिहार के, देश के, हम कहते हैं मेरी बेटी बचाओ, हम कहते हैं मेरी बेटी की सुरक्षा करो, मेरे जीने की ताकत है बेटी, मेरे मुस्कुराने की ताकत है मेरी मां, मेरे जिंदगी का अरमान है मेरी बेटी। और आज बेटी सबसे बड़ा सवाल, आइए ना बेटी की सुरक्षा और न्याय के लिए, बलात्कारियों की फांसी के लिए, जुल्मी सरकार के खिलाफ, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के साथ हम संकल्प लें कि हम एक हैं। और उस आवाज देने के लिए 16 तारीख को बिहार में महाधरना सभी जिला मुख्यालय पर, और 19 तारीख को जन अधिकार पार्टी, छात्र परिषद, युवा मोर्चा, AISF, ऐसा डीसू, NSUI, वामपंथ की सारी संगठने, भीम आर्मी एक आवाज देने के लिए खड़ी हुई। सभी छात्र परिषद ने आज बैठक करके निर्णय लिया कि हमें 19 तारीख को शहादत दिवस के दिन इस भारत की रक्षा के लिए आवाज देना है, बेटियों की हिफाजत के लिए आवाज देना है। हमें लड़ना होगा बीएन कॉलेज की बेटियों के लिए, मुजफ्फरपुर की बेटियों के लिए, उन्नाव की बेटियों के लिए। हमें लड़ना होगा कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए, उस बच्ची, उस मां के अरमान के लिए। इसलिए 19 तारीख को हम अपील करते हैं, जो गांधी और सुभाष की विचारधारा, सरदार पटेल और अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, मिलकर इस बिहार को बंद में आगे आए। और समान विचारधारा की पार्टियों से आग्रह करते हैं कि इस आजादी में आप भी सहयोग करें। नमस्कार।